अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जैन। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप भी नया पे का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नया पे का अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और यहां पर नया पे का एटीएम कार्ड फ्री में ऑर्डर करने वाला ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, तो ये सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अकाउंट बनाने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, इसके लिए आप लोग के पास असल शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास एक सिम होनी चाहिए और तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दूँ, जो सिम है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। सिम किसी और के नाम पर है, शनाख्ती कार्ड किसी और के नाम पर है, अकाउंट बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। बस इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर पहले कोई नया पे अकाउंट ना बना हुआ, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। और यहाँ पर ये जिसका शिनाख्ती कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे वो भी पास ही हो, क्योंकि उसकी आपने सेल्फी भी कैप्चर करनी है। अगर आपका खुद का है फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड असल हो गया, जिसका शिनाख्ती कार्ड है वो बंदा भी पास होना चाहिए, सिम होनी चाहिए और जीमेल होना चाहिए। ये चार चीज़ें जब आप लोग के पास होंगी तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि मैं भी आप लोग को बनाकर दिखाऊंगा। सिम मोबाइल में होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि इजी पैसा जैल कैश में होता है। सिम किसी दूसरे मोबाइल में है फिर भी अकाउंट बन जाएगा, ओटीपी आप लोग देख कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो हम तीन स्टेप्स के अंदर मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले साइन अप करेंगे, दूसरे स्टेप के अंदर हम यहाँ पर एम पिन क्रिएट करके वैलेट बनाएंगे और तीसरे स्टेप के अंदर इसको लेवल वन के ऊपर अपग्रेड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर से जो नया पे एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले इस तरह नोटिफिकेशन का आता है, इसको अलाउ कर दें। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, लॉग इन का एंड रजिस्टर का। तो हम लोग पहली मरतबा है अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए आप लोग नीचे ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। पहले नंबर के ऊपर आप लोग अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आप लोग लास्ट नेम लिखोगे। तो ये जो आप लोग नेम वगैरह लिखोगे ये उसी का लिखोगे जिसकी आप लोग शिनाख्ती कार्ड यहाँ पर डिटेल लिख रहे हैं, ठीक है। जिसके शिनाख्ती कार्ड को स्कैन करेंगे, जिसके शिनाख्ती कार्ड वाले बंदे की सेल्फी लेंगे उसकी डिटेल लिखनी है सारी की सारी। तो यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अभी हमारे पास ईमेल के ऊपर 6 हिस्सों का कोड सेंड किया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वहां से देख कर यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप लोग कोड लिख के यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट इस तरह हमारे पास मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे प्रोवाइडर का ऑप्शन है, आप लोग अपना यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब इस तरह हमारी जो है सिम है उसके ऊपर 6 हिस्सों का कोड सेंड किया गया है। तो वहां से देखकर आप लोगों ने यहाँ पर जो वो कोड लिख देना है, तो ये भी हो गया। और उसके बाद नीचे मार्क एज ट्रस्टेड डिवाइस है, इसके ऊपर आप लोग मार्क ही लगा दें, ठीक है। और उसके बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह नया पे आईडी बनाने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी की कोई भी नया पे आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन चेक कर लेना है वो पहले किसी ने रखी हुई है तो वो फिर नहीं मिलेगी। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख लें, यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। 4 से 25 कैरेक्टर्स के दरमियान आईडी होनी चाहिए, कम से कम 4 उसके हिस्से होने चाहिए, चाहे आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्रिएट नया पे आईडी के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने मुझे एक आईडी इस तरह क्रिएट करके दे दी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं सही लगती तो जनरेट यूनिक आईडी के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, ये दोबारा से कोई आईडी आपको ऐसे जनरेट करके देगा जो कि अवेलेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी की मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख ली है। तो मुझे पता है ये मैंने सिर्फ नेम ही लिखा है जो कि पहले किसी ने रखा हुआ होगा, ये मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इतना लिख देता हूँ। नीचे पासवर्ड के ऊपर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास एक लोअर केस लिखना है लाजमन, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। एक नंबर लिख लें पासवर्ड के अंदर लाजमन आप लोग। उसके बाद कम से कम 8 हिस्से होने चाहिए आपके पासवर्ड के, तो पासवर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जैसे नेक्स्ट करता हूँ तो देखना यहाँ पर एरर शो होगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास एरर आ चुका है कि ये जो आईडी है वो ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपना अगर आपने नेम लिखना है तो उसके साथ कोई डिजिट्स लगा लें एक दो, जैसे कि ये मैंने 2 डिजिट्स इसके साथ 4 लगा लिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें हमारी ये नया पे की आईडी जो कि यहाँ पर लग गई है और यहाँ पर साइंड अप लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने वैलेट को क्रिएट करना है, बहुत ही आसान है। सिंपली यहाँ पर क्रिएट वैलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास होम एड्रेस का ऑप्शन है। तो ये क्यों आ रहा है, ये एड्रेस कहाँ पे काम आएगा, ये मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। आप लोग जल्दी से लाइन 1 के अंदर अपना एड्रेस लिख लें, अगर एड्रेस ज्यादा लेंथी है तो लाइन 2 के अंदर लिख लें। और उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क है, अगर लिखना चाहें कोई करीबी बिल्डिंग तो लिख लें, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पर प्रोविंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें और अपना यहाँ पर जो सूबा है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है।
उसके बाद नीचे सिटी या सिटी के ऊपर क्लिक करें, ऐसे अपनी सिटी यहाँ पर सर्च करें और उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप लोग नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर लोकेशन का आ रहा है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। जैसे इसको लोकेशन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये परमिशन मांग रहा है कैमरे को अलाउ करने का। जैसे इसको वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जिसकी शनाख्ती कार्ड की डिटेल पीछे लिखी है, जिसका नाम लिखा है, उसकी आप लोगों ने यहाँ पर जो सेल्फी कैप्चर करनी है। ऐसे आप लोग ये जो डॉटेड लाइन है ना, उसके अंदर अपने फेस को ऐसे लेकर आओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग की ऐसे सेल्फी कैप्चर हो जाएगी। अगर सही नहीं आती, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे ये न्यू लिखा हुआ है, इससे न्यू सेल्फी भी ले सकते हैं। तो ये सेल्फी क्लियर है, माई सेल्फी इज क्लियर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह ये देखें, ये हो चुका है और फिर से बैक कैमरा ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस बंदे का जो ओरिजिनल आईडी कार्ड होगा, जो असल शनाख्ती कार्ड होगा, उसकी आप लोगों ने जो फ्रंट साइड है वो बस एक मतलब ऐसे इसके नीचे करनी है, ठीक है। ये देखें मैंने टेबल के ऊपर रखा, एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने इसके ऊपर किया, ये फोटो नीचे स्कैन कर लेगा, ये स्कैन हो चुका है, बस इतना सा काम है। उसके बाद इसको स्विप आउट करें, यानी कि इसकी बैक साइड रखें आईडी कार्ड की, ठीक है। उसके बाद उसको कैमरे के नीचे लेकर आए तो इसकी डिटेल फौरन पढ़ लेगा, बहुत ही फास्ट है, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर किए, ये हो चुकी है डिटेल कैप्चर। तो ये देखें नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी इसने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ इशू, सारी डिटेल आ चुकी है। अगर कुछ चीज़ गलत हो तो आप लोग यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसने सारा कुछ सही लिखा हुआ है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे को आ जाए तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपका आईडी कार्ड यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए, यानी कि उसकी एक्सपायरी नहीं है, तो इसको चेक इन कर देंगे, ठीक है। तो मेरा लाइफ टाइम के लिए नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों तस्वीरें देख लें, क्लियरली इसने कैप्चर की हुई है, ठीक है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट ये हमसे नेम को कंफर्म करने को कह रहा है, आपने अपने नेम को एक मतलब चेक कर लेना, ठीक है। अगर स्पेलिंग सारा कुछ सही है तो यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन है, तो इसमें आप लोगों ने सिटी ऑफ बर्थ लिखना है कि आप लोग की जो पैदाइश है वो किस शहर में हुई है। तो आप लोग अपनी मर्जी का भी कोई लिख सकते हैं, इतना मसला नहीं है, अगर गलत भी लिखा जाए लेकिन आप लोग गैस कर लें कौन सा है, ठीक है। तो अपना जो अभी जो मौजूदा शहर है वो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे मदर्स का नेम है वो लिख दें, ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस के लिए होता है। तो वो लिखने के बाद आप लोगों ने वालदा का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास अभी ये कार्ड होल्डर्स का नेम है, तो आप लोग का जो कार्ड आप लोग ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर जो नाम प्रिंट होके आएगा, ठीक है। वो यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन है क्योंकि नाम काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो तीनों में से मैं कोई एक एब्रिविएशन सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं ये मिडिल वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह आप लोग भी सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दोगे और उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। एंड यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ चुका है कि आप लोग की निया पे वैलेट बनाने की जो दरख्वास्त है वो सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर दो कारोबारी दिनों का हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऊपर भी देखें लिखा हुआ है वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, तो उनकी टीम जो है वो डिटेल चेक करेगी और दो कारोबारी दिनों में हमारा जो वैलेट है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये एक्टिव होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि स्टेप टू एम पिन क्रिएट करने का। तो ये मैंने जब रात को यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो सुबह को मेरे पास यहाँ पर इस तरह नोटिफिकेशन आ गया था कि कंग्रेचुलेशन योर नया पे वैलेट हैज बीन क्रिएटेड। तो जब आप लोग के पास भी ऐसे नोटिफिकेशन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली वैसे भी आप लोग दूसरे दिन ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये मैंने नया पे एप्लीकेशन ओपन की, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेट सीक्रेट एम पिन, मतलब जो हमारा जो वैलेट बन चुका है अब हमने एम पिन क्रिएट करनी है। इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एम पिन का ऑप्शन है, 6 अंकों का एम पिन जो आप लोग अपनी मर्जी का रखना चाहते हैं अपने नया पे वैलेट का वो रख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन है एक मरतबा, वही 6 अंकों का एम पिन जो आपने रखना है अपनी मर्जी का, उसके दोबारा से यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है, इसको आप लोग यहाँ पर स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस में से किसी दो के आंसर दे सकते हैं, तो आंसर भी आप अपनी मर्जी के दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट स्कूल जो आप लोगों ने अटेंड किया उसका क्या नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्कूल का कोई भी नेम लिख देता हूँ छोटा सा, तो ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख दें। और उसके बाद इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दे देता हूँ, जो कि यहाँ पर है हॉस्पिटल कौन सा जिसमें आप लोग पैदा हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ये मैंने ऐसे BHU लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। वैलेट हमारा रेडी हो चुका है इस्तेमाल के लिए। अब हमारा जो नया पे का वैलेट है वो मुकम्मल रेडी है इस्तेमाल होने के लिए। बस जो तीसरा स्टेप है वो रहता है यहाँ पर लेवल 1 के ऊपर अपग्रेड करने वाला, ठीक है। उसके बाद कार्ड ऑर्डर करने वाला। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास कार्ड जो ऑर्डर करने का ऑप्शन है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों ने अपने अकाउंट को लेवल 0 से लेवल 1 के ऊपर अपग्रेड करना है, ठीक है।
अभी मैं आप लोग को इसकी लिमिट्स भी दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही कम होगी। ये जो आप लोग को 3 लाइंस नजर आ रही हैं, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये एम पिन लिखने को कह रहा है, एम पिन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास अकाउंट लिमिट्स लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर देखें ये जो मंथली इनकमिंग हमारे पास है ये सिर्फ और सिर्फ 50,000 है। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर नया पे के ऊपर पैसे भेजने की लिमिट भी 50,000 है और यहाँ पर बैंक के ऊपर भी 50,000 है। तो ये 50,000 से बढ़कर 2 लाख 4 लाख तक हो जाएगी, ठीक है। होगी कैसे, इसको आपने करना है अपग्रेड, बहुत ही आसान है। ऊपर भी अपग्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अपग्रेड वैलिड लिखा हुआ है। बाहर आ जाए होम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर भी हमारे पास अपग्रेड का ऑप्शन है। तो आप लोगों ने अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह ये हमें कहेगा थ्रो ऐप, तो आप लोगों ने थ्रो ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हैंड्स को स्कैन करने की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो वो हमें पता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर एक एरर भी आता है हैंड्स को स्कैन करते टाइम, तो आपने करना क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास इस तरह बैक कैमरा ओपन होगा, अपने सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स को ऐसे कैमरे के नीचे करेंगे। तो अगर यहाँ पर लाइट कम है या फिर फ्लैश नहीं ऑन होता मोबाइल का, तो लाइट अलग से यहाँ पर यूज़ कर लें। अगर फ्लैश की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट पड़ रही है, फोकस नहीं कर पा रहा मोबाइल, एरर आ रहा है बार बार, इस तरह सॉरी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये भी आ सकता है आप लोग के पास, ऐसे वी कुड नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, ठीक है, तो प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऐसा आ जाए तो फिर आप लोग एप्लीकेशन को बंद कर दें और 1-2 मिनट के बाद दोबारा से ट्राई कर लें अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर यहाँ पर ये जो फ्लैश होगा आपके मोबाइल का, उसको ऐसे किसी चीज़ से कवर कर लें, बंद कर लें, अलग से कोई लाइट दे लें, ठीक है। तो ये मसले मसाइल हैं, जब फोकस हो जाएगा सही से आपका, इस तरह राइट हैंड भी स्कैन हो जाएगा, इसी तरह आप लोग जब अपने लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स को स्कैन कर लेंगे सक्सेसफुली, तो ये लिखा आएगा, यहाँ से आप लोगों ने इसको कर देना है ओके। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ी सी इस तरह वेरीफाई हो रही है और हमारा वैलेट अपग्रेड हो चुका है। अब हमारी लिमिट्स बढ़ चुके हैं, लिमिट्स अभी मैं आप लोग को चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है चेक अपग्रेड लिमिट्स, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें, देख सकते हैं मंथली इनकमिंग जो है हमारी यहाँ पे वैलेट की 4 लाख हो चुकी है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप लोग नीचे देखें डेली कैश विड्रा 25,000 है, ATM से पहले 10,000 थी लेवल 0 के ऊपर, ठीक है। नीचे आ जाए यहाँ पर नया पे के ऊपर भेजने की, दूसरी बैंक के ऊपर भेजने की 2 लाख लिमिट हो चुकी है। तो अब हमारा अकाउंट फुली अपग्रेडेड है, ठीक है, इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नया पे का कार्ड ऑर्डर करना है अब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। वापस आ जाए होम पेज के ऊपर, ये देखें लिखा हुआ गेट यूर फ्री नया पे कार्ड, ये ऑप्शन आप लोग के पास तभी आएगा जब आप लोग अपनी यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करेंगे और अपने अकाउंट को लेवल 1 के ऊपर अपग्रेड करेंगे, जो कि मैंने अभी किया, ठीक है। अब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। ये नीचे एड्रेस है, तो जो स्टार्टिंग पे ऊपर हमने एड्रेस लिखा था, आप लोग कह रहे थे वो, मतलब मैं कह रहा था ये क्यों लिख रहे हैं, ये हमने इसलिए लिखा था ताकि उसके ऊपर हमें कार्ड रिसीव हो जाए। तो ये एड्रेस कैसे चेंज करना है, कार्ड कैसे ऑर्डर करना है, वो अलग से एक प्रॉपर वीडियो है, टाइम लग जाएगा, ये पहली ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस बताने में, वो वीडियो देखना चाहते हैं कार्ड को ऑर्डर करने की मुकम्मल आप लोग को मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर वीडियो देख लें, अपने कार्ड को ऑर्डर कर लें, बिल्कुल फ्री है। अब नया पे वैलेट हमारा बिल्कुल एक्टिव है, आप भी एक्टिव कर चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई मसला, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।